वो आदमी बस भरना समाप्त कर चुका था और जाने वाला था। बूढ़े ने पकड़ा और उसे दो बोतल पानी पिलाया। उसे क्या पता था कि पानी की ये दो बोतलें उसकी जान बचा लेंगी। आदमी सुरंग के माध्यम से घर जा रहा है। मुझे नहीं पता कब तक मेरे पीछे वाली सुरंग अचानक दह गई। वो सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ा। बहुत देर हो सकती है। उसने दर्द को सहन किया और हेडलाइट चालू करने के लिए टटोलने लगा। अपना फोन बाहर निकालें और सिग्नल को ध्यान से देखें। मुझे डर है कि शोर मचाने से एक और भूस्खलन होगा। अंत में आपातकालीन नंबर डायल किया। आदमी ने यहाँ की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद लड़के ने सोचा कि यह सिर्फ एक मामूली दुर्घटना थी। निराशाजनक रूप से उसे प्रतीक्षा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने दे। ये रवैया सीधे तौर पर आदमी को अवाक कर देता है। फोन रख दो। उसने पिछली सीट पर मिनरल वाटर उठाया, घूंट पी लिया। इस समय वो नहीं जानता था कि पानी कितना कीमती है। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। जैसे ही रिजल्ट आता है, सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। पूरी सुरंग परियोजना ध्वस्त हो चुकी है और अब और नहीं गिर सकी। खत्म। घटना ने तेजी से तूल पकड़ लिया। खबर आसमान पर छाने लगी। आदमी जागने के बाद अपना फोन उठाता है। दर्जनों पाठ संदेश प्राप्त हुए। इससे पहले कि मेरे पास फोन देखने का समय होता, मैंने डायल किया। यह मीडिया से है। उनका कहना है कि वे एक शख्स के लिए लाइव शो करने जा रही हैं। इस बारे में पता चलने पर बचाव कप्तान बहुत क्रोधित हुआ। सीधे मीडिया की गाड़ी के सामने, उन्हें लटकाने के लिए चिल्लाओ। लाइव न्यूज बाधित हुई। रिपोर्टर और भी नाराज था। कप्तान ज्यादा फालतू बात नहीं करता। उसने सीधे रिपोर्टर का मोबाइल फोन छीन लिया और उस आदमी का फोन नंबर डिलीट कर दिया। पत्रकारों को चेतावनी भी दी, अगर वे फिर से पुरुषों को परेशान करने की हिम्मत करती हैं, बस पकड़े जाने का इंतजार करें। तान जानता है, एक बार पार्टियों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, बचने की उम्मीद और भी कम होगी। तब कप्तान ने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को बुलाया। उसे बुलाओ और वहाँ के हालात के बारे में पूछो। उस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा और उसका स्पष्ट उत्तर दिया। उसे आगे सीलिंग फैन याद है। फोन में 78% बैटरी बची है। मेरी बेटी के लिए केक का डिब्बा और कार में दो बोतल पानी है। कप्तान गिना जाता है, इसे 7 दिनों तक स्पोर्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो आदमी से वादा करता है कि पानी खत्म होने से पहले वो उसे बाहर निकाल देगा। उसे फोन बंद करने के लिए कहें। प्रतिदिन 12 बजे स्थिति की रिपोर्ट करें। अगले दिन बचाव दल आगे बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने ड्रोन भेजे, लेकिन सुरंग में सिग्नल बहुत कमजोर है। सभी ड्रोन ड्रॉप। बचाव कप्तान के पास अपने जीवन को जोखिम में डालकर जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर का रास्ता पूरी तरह बंद है। जब वो टॉर्च से स्थिति का जायजा ले रहे थे, एक साथी ने अचानक हॉर्न बजाया। कप्तान ने जल्दी से उसे रोक लिया, क्योंकि ऐसा करने से सेकेंडरी लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। लेकिन कौन जानता था कि वास्तव में उस आदमी ने फोन किया था। फोन कहता है कि वो हॉर्न सुन सकता है। उत्साहित साथियों ने बार बार हॉर्न बजाया। वो आदमी खुश हुआ और कहा कि उसने इसे फिर से सुना। लेकिन कुछ लोगों को खुश हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। सुरंग फिर से दह गई। गिरते पत्थरों ने कार को हिंसक रूप से उठा लिया। कप्तान ने तेजी लाने और पीछे हटने के लिए जल्दबाजी की। सिर के ऊपर से बेकार चट्टाने गिर रही हैं। सौभाग्य से वे बिना किसी खतरे के सुरंग से बच निकले। भागने के बाद कप्तान ने आनंद फानंद में उस व्यक्ति को स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। सौभाग्य से आदमी ठीक है। इस कॉल से उन्हें एक अहम सुराग मिला है। उसके सामने सीलिंग फैन पर 3 नंबर अंकित है। इसने बचाव दल को सीधे उसके स्थान को इंगित करने की अनुमति दी। रेस्क्यू भी शुरू हो गया। वे पहाड़ की चोटी से एक बचाव छेद ड्रिल करने की योजना बना रहे हैं। और इस समय युवक की पत्नी आनंद फानंद में मौके पर पहुंची। शोक जताने पहुंचे मंत्री, मीडिया के सामने उसके साथ फोटो खिंचवाए। इसके बाद एक के बाद एक अधिकारी हैं। सती कार्य। समय धीरे धीरे बीतता गया। आदमी को फंसाए 3 दिन हो चुके हैं। शौचालय को साफ करने के लिए आदमी के पास कुछ नहीं है। अचानक मैंने अपने पीछे हलचल सुनी। एक फुटबॉल लुढ़कता है। आदमी वेंटिलेशन वाहिनी पर घबराहट से घूर रहा है और पाइप के दूसरे छोर पर एक कुत्ता था। आदमी को कुत्ते के मुंह में कुछ मिला। इसे लो और इसे सूंघो, काफी सुगंधित। इसे अपने मुंह में डालकर चबाएं। स्वाद खराब नहीं है। वो 3 दिन से टनल में दबा हुआ है। कुत्ते का पालन करें। खंडहर में मिली थी बालिका, उसके शरीर को पत्थरों से कुचल दिया गया था। चल नहीं सकता। लड़की उस आदमी से विनम्रता से पूछती है कि क्या उसके पास पानी है। वो आदमी झिझका और हाँ कह दिया। वो पानी लेने के लिए वापस अपनी कार में रेंगता हुआ गया। मैं लड़की को लगभग समाप्त हो चुकी पानी की बोतल देने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने बोतल में कुछ और डाला। लड़की पानी पी रही है और उस आदमी से विनती की कि कुत्ते को पानी पिला दे। हालांकि आदमी बहुत अनिच्छुक है, लेकिन फिर भी सहमत हुए। वो लड़कियों को भरोसा दिलाता है कि रेस्क्यू टीम हमें जल्दी बाहर निकाल लेगी। अपनी कार पर वापस जाओ। वो केक मिला जिसे खाने से मैं कतराता रहा हूँ, इसे एक कुत्ते ने चुरा लिया था। आदमी गुस्से से सांस छोड़ता है। वहाँ पर लड़की ने पूछा कि क्या हुआ। उसने अभी भी अपना दुहक वापस रखा और कहा कि उसके पास एक बुरा सपना था। कुछ दिनों के बाद लड़की ने कमजोर होकर उस आदमी से पूछा कि क्या उसके पास अब भी पानी है। इस बार उस आदमी ने फिर भी हाँ कहा। उसने दांत बींच लिए और जो थोड़ा सा पानी बच गया वो लड़की को पिलाने को तैयार हो गया। आदमी के पानी लाने का इंतजार करो। लड़की चली गई। कांपते हुए उसने लड़की को पिलाने के लिए पानी डाला, लेकिन गलती से सारा पानी बह गया। आदमी लड़की से बोल्डर धक्का देता है। तभी पता चला कि लड़की के पेट में स्टील की छड़ घुस गई है। लड़की चली गई। मेरा पानी खत्म हो गया है। वो ये कहते हुए कप्तान को बुलाने और पूछताछ किए बिना नहीं रह सका। क्या ये गारंटी नहीं है कि पानी खत्म होने से पहले उसे बचाया जा सकता है?
कप्तान आश्वस्त करता है, मैं आदमी को जरूर बचा लूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और उसे बरसात के दिन के लिए अपना मूत्र इकट्ठा करने दो। फंस गया दिन 9, लड़की की कार में मिला कुत्ते के खाने का बैग। वो और कुत्ता कीमती भोजन बांटने लगे। भोजन अब कोई समस्या नहीं है, लेकिन लंबे समय से पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारा जीवन नहीं पीऊंगा, इसके बारे में सोचो भी मत। आदमी को पहले जमा हुआ पेशाब बाहर निकालना था। वो लंबे समय तक संघर्ष करता रहा। अभी भी बोतल पकड़ो। खत्म करने के बाद उसने पानी की बूंदों की आवाज सुनी। उसने जाने की हिम्मत की। स्टील की पट्टी से पानी की बूंदें रिस रही हैं। उसने ताजा पानी चखा। फंसा हुआ दिन 17, खुदाई का काम आखिरकार पूरा हुआ। कप्तान ने बुलाया और उस आदमी को छिपने के लिए जगह खोजने को कहा, लेकिन उस आदमी ने कुछ मिनट इंतजार किया, भी कुछ नहीं सुना। लेकिन जाहिर है कि निकास को नीचे तक खोदा गया है। खत्म। बचाव दल ने गलत जगह खुदाई की। ये पता चला है कि चित्र उनके हाथों में है, वास्तविक इमारत से अलग। पिछले सभी प्रयास व्यर्थ थे, केवल फिर से खुदाई शुरू कर सकते हैं। आदमी टूट गया। धराशायी आशाओं के बाद निराशा और भी अस्वीकार्य है। उसने आखिरकार अपनी पत्नी को फोन किया। शारीरिक और मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। अगले 17 दिनों तक इस हताश स्थिति में बने रहें, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी पत्नी ने कहा कि तुम बस छोड़ दो, तुम चले गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बस अपनी बेटी को मरने के लिए ले जाओ। उसने अपने पति से विनती की, भले ही यह मेरे और मेरी बेटी के लिए हो, मुझे जीना है। मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने के बाद इस शख्स का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। बचाव कार्य जारी, और इस दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरी चीज जो हर कोई देखना चाहता था वो हुआ। बचाव स्थल पर एक बचावकर्ता की मौत हो गई। 20 दिन से टनल में दबा है शख्स, कुछ कुत्ते का खाना उसका दैनिक भोजन है। फोन की बैटरी खत्म हो गई है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। उसने फोन की बैटरी निकाली। दांत से काटना, जोर से हिलाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कनेक्शन का नुकसान क्या कारण होगा वो नहीं जानता। दिन ब दिन बचाव अभियान में बाहर आखिरी चीज जो हर कोई देखना चाहता था वो हुआ। बचाव स्थल पर एक बचावकर्ता की मौत हो गई। मीडिया की राय बदलने लगी, बस एक को बचाने के लिए जो शायद पहले से ही है। क्या लोगों और पैसे को मृत लोगों पर बर्बाद करना उचित है? और बदल में सुरंग, ये भी आदमी की वजह से था कि काम में देरी हुई। दैनिक घाटा 1.5 बिलियन से अधिक हो गया है। इन अधिकारियों के इशारे पर लोग फिर से खोलने के लिए मतदान करते हैं। 2 अधिकारियों को आदमी की पत्नी भी मिलती है, अपने पति को छोड़ने के लिए उसे मनाने की उम्मीद में। लेकिन अधिकारी चाहे कुछ भी कहें, उसके पास केवल एक ही वाक्य है, अगर मेरे पति अभी जीवित हैं। आदमी अभी भी जीवित है, लेकिन बाहर के लोग उसे छोड़ना चाहते हैं। हर तरफ से दबाव। पत्नी ने समझौता किया। पत्नी ने उन्हें रेडियो पर अंतिम विदाई दी। उसने रोते हुए अपने पति से माफी मांगी। उसे नहीं पता कि उसका पति जिंदा है या नहीं। आदमी मरना नहीं चाहता, वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि वो जीवित है। फोन मर चुका है। इस समय उसे अचानक ख्याल आया कि लड़की की कार में खराब मोबाइल फोन है। बैटरी बचाया। वो हताश होकर लड़की की गाड़ी की तरफ चढ़ गया। उसे यह आखिरी तिनका हड़प लेना चाहिए। लेकिन मेरे पीछे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आसपास कांपने लगा। इसके बगल में सुरंग है जिसे फिर से खोल दिया गया है। आगे गिरती चट्टानों ने उसका रास्ता रोक दिया। गिरने से बचने के लिए आदमी वापस कार में चढ़ गया, और ऊपर बचाव कप्तान अभी भी हार नहीं मानता है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए फिर से सुरंग में उतरना चाहता है कि आदमी अभी भी जीवित है। वो डिटेक्टर ले गया गहरी सुरंग में। बस जब कप्तान को हलचल महसूस होने वाली थी, टीम के सदस्यों ने उसे खींच लिया, क्योंकि दूसरा धमाका शुरू होने वाला है। भयाक्रांत कप्तान ने जांच खो दी। जैसे ही सुरंग फिर से दह जाती है, आदमी केवल हॉर्न बजा सकता है। मुझे आशा है कि बाहरी दुनिया निम्नलिखित को जानेगी। एक और व्यक्ति है जिसे उन्होंने बचाने का वादा किया था। सौभाग्य से खोई हुई जांच का एक अर्थ है। वे मैनहोल का ढक्कन खोलते हैं। हॉर्न की रुक रुक कर आवाज सुनना। मनुष्य जीवित है। निर्माण दल को रुकने से रोकने के लिए परमानंद कप्तान दौड़ पड़े। बचाव कार्य फिर से शुरू। बचाव दिवस 35। उन्होंने आखिरकार उस आदमी को ढूंढ ही लिया। कुत्ता बच गया। फिलहाल शख्स को टनल से रेस्क्यू किया गया। अनगिनत मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। अंत में बचाव विमान के पास गया, लेकिन उतारने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे तस्वीरें लेने के लिए मंत्री का इंतजार करना पड़ता है। क्या व्यंग्य है। फिर उस आदमी ने अपना मुंह खोला और कुछ बोला। कप्तान उसके कान के पास झुक गया। ये दृश्य एक पत्रकार ने देखा। उन्होंने आनंद फानंद में युवक को चुराने को कहा। आपके बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? कप्तान हिचकिचाया, फिर जोर से चिल्लाओ, यहाँ से निकल जाओ कमीनो। हर कोई स्तब्ध है। उस आदमी ने कप्तान को थम्स अप भी दिया। सुर्खियों पर मीडिया सरकार के गुणगान गाने लगा। मंत्री ने भी पाखंडी ढंग से कहा कि जीवन सबसे ऊपर है और असली हीरो अकेले रह जाते हैं। जो पाखंडी हैं उन्हें स्मारकों के साथ उकेरा जाएगा। एक साल बाद वो आदमी फिर एक सुरंग से गुजरा और वो थोड़ा डरा हुआ था। पत्नी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सौभाग्य से इस बार उन्होंने इसे हानिका बना दिया।